समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड में अभी हम एक सभा हो रही है कि देवरा गांव है, जिस गांव के किनारे एक पोखरी है, उस पोखरी पर मल्लाह समाज का यहां पे और उनका जो मत्स्यजीवी संगठन है, जो समिति है, उन लोगों का आज बैठक हुई है और उस बैठक में यहां पे सभी लोग उपस्थित हैं और ये लोग कुछ निर्णय लिए हैं। हम इनसे बात करने का कोशिश करते हैं, इनका बैठक का मुद्दा क्या था और ये लोग क्या निर्णय लिए हैं। इनमें एक युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं वीआईपी के, संतोष सहनी इनका नाम है और उर्फ रईस बाबा हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कारण था ये? सर, हम युवा प्रखंड अध्यक्ष हसनपुर प्रखंड से बोल रहे हैं, संतोष कुमार सहनी उर्फ रईस बाबा, परोरिया गाँव से। हमको मुद्दा ये है जो हमारे समाज में जो राय विचार रखे गए, जो जलकर के मैटर है और क्या कहता है, हम लोग अध्यक्ष जो मुकेश सहनी जी बोले हैं, मंत्री साहब जो प्रखंड युवा अध्यक्ष के पीछे अध्यक्ष भी होता है, जो हर पंचायत से एक एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीन तीन को व्यक्ति को जोड़ना भी है, तो हमारा पहले कहना है यहाँ का समाज का, जो बैठक में हम सब समस्त भाई लोग जो बैठे हैं, इनके कहना है पहले इनका मांग पूरी किया जाए, इसके बाद हम लोग को एक समय जो मिलेगा, जो मंत्री साहब को इस धरती पर मंगाएंगे, तो हम लोग जो है इसका एस्टीमेट देखते हुए ही आगे मंगाएंगे। मांग क्या है? मांग ये है मंत्री जी से, जो ये जलकर वाला सिगरेटी मुद्दा जो हम लोग को बंद है काफ़ी दिन से, जो जलकर अभी तक सिगरेटी द्वारा नहीं मिल रहा है, वीडियो साहब 2 नंबर 3 नंबर करके डीएफओ साहब जो पैसा लेता है 10,000 के तालाब को 1.5 लाख लेता है, ये 1.5 लाख और 1.5 लाख और क्या करता है, जो हमको मलाह जो तालाब है मछली पालन करके, हम लोग जो गरीब जाति मलाह जो थे, मेरे बाबा दादा जो तालाब अपना दम पर रखा था, वो भी आज दूसरे जाति द्वारा मिल रहा है, गैर मछुआरे को मिल गया, गैर मछुआरा को मिल रहा है, हम मछुआ विभाग, यानी पुनः आपको फिर मिले, यही मांग है, पुनः हमको मिलना चाहिए मंत्री साहब से, यही गुजारिश है। देख रहे हैं और यहाँ पर एक मुखिया जी हैं, एक देवधा पंचायत का, क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? मेरा नाम अशोक निषाद हुआ। क्या बैठक है आपके समाज का और आप जनप्रतिनिधि भी हैं, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि मछुआरा समाज के साथ भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है हसनपुर प्रखंड में, खास करके 2012 से ये चुनाव हुआ था और अभी 2021 आ गया, विगत 8 वर्षों से सभी लोग जलकर के अभाव में बैठे हुए हैं, सभी लोगों के परिवार के साथ भूखमरी की स्थिति है। कारण है कि पूर्व में जो सेक्रेटरी थे 12 से पहले रामविलास सहनी जी, वो मद विकास के नाम पर इस सोसाइटी पर लोन लिए और उसको निजी स्वार्थ में खर्चा कर लिए, वो गबन कर गए, गबन कर गए, जिसके चलते जब पप्पू मुखिया सेक्रेटरी बने तो इनको पैसा, इनको कहा गया कि आप, आपके सोसाइटी पर इतना ऋण है, आप इसको दीजिएगा तो फिर इस सोसाइटी को जलकर मिलेगा, इतना पैसा चूँकि जलकर बिकेगा नहीं तो दे कहाँ सकता है, तो इनके पास पैसा नहीं था, सोसाइटी के पास उतनी आमदनी नहीं थी, जिसके वजह से ये लोग पैसा जमा नहीं किए। हुआ क्या कि गैर मछुआरा को खुला डाक करके उस दिन से चलता आ रहा है, टोटल मलाह और मछुआरा समाज उस दिन से भूखमरी के कागार पर है, उसके बच्चे रोड पर आ गया है, सभी लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, इसलिए सारे लोग एक जगह बैठे हैं पूरे हसनपुर प्रखंड के मछुआरा समाज, कि हम अपने मंत्री जी माननीय मुकेश सहनी जी से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि आप इसको व्यक्तिगत तौर पर हसनपुर के समस्या को आप देखिए और मछुआरा समाज रोड पर नहीं जाए, उसके बच्चे रोड पर नहीं जाए, भूखमरी के कागार पर नहीं जाए, इसलिए इस सोसाइटी को फिर से बहाल किया जाए और जो लोग इस ऋण को लिया है और गबन किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, उससे व्यक्तिगत तौर पर वसूली किया जाए और मछुआरा समाज को फिर से यह सोसाइटी जीवित कर दिया जाए और उसके बीच बांटा जाए, ताकि यहाँ के लोग भूखमरी से देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है। यहाँ पर सभी लोगों का बैठक अभी समाप्त हो चुका है, इन लोगों का मांग है, अब ये इन लोगों का मांग जो है मंत्री जी के पास पहुँचेगा मुकेश सहनी जी, और मुकेश सहनी जी इस पर क्या अगला कदम उठा रहे हैं अपने मल्लाह समाज के लिए, ये लोग आज से अपना आस लगाए हुए रहेंगे जो कब इनका निर्णय जो है मंत्री जी का निर्णय इन लोगों के हित में आता है। सत्येंद्र कुमार सिंह, न्यूज़ इन खबर, समस्तीपुर।